Shareit alternative similar apps for your PC and laptop. तो जो Shareit application है ये basically India में ban हो चुका है, right? Because जो Chinese application है total 59 application जो है India में ban हो चुके हैं, जिसमें से एक Shareit भी है. But Shareit ये काफ़ी ज़रा popular and globally use होने वाला एक file transferring app था, जिसके through आप mobile to mobile के अलावा mobile to laptop में या laptop to mobile में कोई भी फाइल्स, वीडियो, फ़ोटो का आप ट्रांसफ़र कर पाते थे इस Shareit एप्लीकेशन के थ्रू. बिकॉज Shareit में ऐसा एक्सेस था जिसकी हेल्प से हम मोबाइल टू लैपटॉप में कोई भी फाइल्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते थे. बट यहाँ पर अभी ये एप्लीकेशन बैन हो चुका है, तो आप यहाँ पर इसके रिलेटेड एक और ऐप्स हैं जिसका यूज़ करके आप फाइल्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस Shareit एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव ऐप्स के थ्रू. यस, तो अगर आप ऐसा कोई एप्लीकेशन देख रहे हैं जो Shareit का अल्टरनेटिव ऐप है स्पेशली फॉर पीसी और लैपटॉप के लिए, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप Shareit की तरह ही फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल टू लैपटॉप में या लैपटॉप टू मोबाइल में. ये एक तरीके से Shareit का एक अल्टरनेटिव ऐप है, विच इज़ सेंड एनीवेयर ऐप, एज यू कैन सी दैट. तो ये सेंड एनीवेयर बेसिकली ये एक इंडियन ऐप्स है, इंडियन के डेवलपर में इसको लॉन्च किया था. और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इजीली मोबाइल टू लैपटॉप में कोई भी फाइल्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये जो एप्लीकेशन है ये मोबाइल वर्जन के साथ साथ लैपटॉप वर्जन्स, पीसी वर्जन्स में भी अवेलेबल है. तो ये एक तरीके से Shareit का अल्टरनेटिव ऐप्स है. अब इसके हेल्प के थ्रू आप किस तरीके से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर से जो सेंड एनीवेयर ऐप है वो आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है. एंड्रॉयड मोबाइल के साथ सिर्फ आपको एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल करना है. और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट करना है, विच इज़ मैंडेटरी. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो है अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है. अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, और अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो है आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर यूज़ करना है. देन आपके उस ईमेल आईडी पर इनकी तरफ से एक मेल आएगा, उस मेल में जाना है, उनके ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपके जो सेंड एनीवेयर के अकाउंट है उसको आपको सिंपली रजिस्टर करना है. तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल एंड एकदम ईजिएस्ट है, तो यहाँ पर मैं इसका जो प्रोसेस है आपको नहीं बताऊँगा, बिकॉज यू गाइज़ आर ऑलवेज स्मार्ट, राइट? तो यहाँ पर जैसे आप अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, देन आपको इस तरीके का लुक जो है सेंड एनीवेयर के ऐप में शो करेगा. अब यहाँ पर आपको इस सेंड एनीवेयर के थ्रू ये आपको Shareit के अल्टरनेटिव के बेसिस पे किस तरीके से काम आ सकते हैं, जैसे कि आप इजीली अपने पीसी में इसका यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है अपने लैपटॉप में. देन इसके बाद जो ब्राउज़र यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा ये है गूगल क्रोम ब्राउज़र. यहीं पर आपको जाना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है सेंड एनीवेयर ऐप फॉर पीसी. सेम एज इज़ इट आपको सर्च करना है अपने पीसी में. यस, पीसी में जैसे आप सर्च करेंगे देन इसके बाद यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको शो हो जाएगी. डायरेक्टली इस वेबसाइट पर विज़िट करना है. विज़िट करने के बाद जो लुक है एग्जैक्टली आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलता है, सेंड और रिसीव का, दैट्स इट. तो ये दो ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेगा. अब इसके बाद यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू फाइल्स किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, लेट मी शो यू हाउ. सो अभी यहाँ पर मैं जो है आपका मोबाइल टू लैपटॉप में फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को ट्रांसफ़र करूँगा विदाउट एनी अदर प्रोसेस, सिर्फ इस विदाउट एनी वायर प्रोसेस. सो यहाँ पे आप इजीली ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं. तो मोबाइल टू लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के लिए मैं सेंड एनीवेयर एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा. सो लेट्स एग्जांपल, यहाँ पे मैं वीडियो के सेक्शन में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम सा वीडियो ले लेता हूँ. ओके, सो लेट्स एग्जांपल मैं यहाँ पर इस वीडियो को ट्रांसफ़र करूँगा. ये 29 सेकंड्स का एक वीडियो है, और इस वीडियो को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा. ओके, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार. ये देखो, ये वही वीडियो है जिसको मैं भी ट्रांसफ़र करने वाला हूँ.
ये बेसिकली एक रैंडम सा वीडियो है जिसको मैं भी ट्रांसफ़र करूँगा, तो ट्रांसफ़र करने के लिए डायरेक्टली वापस में जाऊँगा एप्लीकेशंस में फ्रॉम हियर, और यहाँ से यही वीडियो को मैं ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र करने के लिए डायरेक्टली मैं इस पर इसको चूज़ करूँगा, उसके बाद सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर एक लिंक क्रिएट होगा और ये जो कोड है ये कोड मुझे यहाँ पर इंटर करना है इस रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जो रिसीव है, रिसीव के नीचे यहाँ पर जो कुछ कोड है, जो ये जो कोड मुझे यहाँ पर शो हो रहा है मोबाइल में, ये कोड मुझे यहाँ पर इंटर करना है। ओके, लेट्स इंटर द कोड 682549। एज यू कैन सी कोड यहाँ पर इंटर कर दिया है मैंने। अब उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर मुझे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा जो फाइल है, जो वीडियो है, वो मोबाइल टू लैपटॉप में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पर जो है वीडियो का ट्रांसफरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये वीडियो मोबाइल टू लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो रहा है। बट यस, इसका जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा लिटिल बिट स्लो है एज़ कम्पेयर टू शेयरइट, बट ये एक तरीके से शेयरइट का अल्टरनेटिव ऐप है, स्पेशली फॉर पीसी एंड लैपटॉप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको फाइल ट्रांसफ़र करना हो मोबाइल टू लैपटॉप में या लैपटॉप टू मोबाइल में, सो एज़ यू कैन सी जो वीडियो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर भी जो वीडियो है उसका जो ट्रांसफरिंग प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपको कहाँ पे शो होगा, तो अगर आपको जानना है कि जो आपने फाइल भी ट्रांसफ़र किया वो आपको कहाँ पे शो होगा, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना अपने माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में आपको ऑप्शन शो करेगा डाउनलोड्स का, जस्ट क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पर आपको जो वीडियो आपने ट्रांसफ़र किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। एज यू कैन सी जैसे कि ये है टुडे, यानी कि टुडे दो वीडियो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, जिसमें से एक है ये वाला जो मैंने अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र किया था। तो लेट मी प्ले द वीडियो। ओके, सो एज यू कैन सी ये है रहा वो वीडियो जो भी मैंने रिसेंटली ट्रांसफ़र किया था 29 सेकेंड्स का। सो इसी तरीके से एक सिंपल मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये एक तरीके से बेस्ट शेयरइट अल्टरनेटिव ऐप्स है फॉर स्पेशली फॉर पीसी एंड लैपटॉप के लिए, जिसके हेल्प से आप इजीली फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जस्ट लाइक शेयरइट की तरह। सो विच इज़ कम्प्लीटली यूजफुल एंड वर्थ इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, सो दिस विल हेल्प यू इन 2020 एंड 2021। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।